बहू की जादुई साड़ी का पेड़। अनामिका और उसके सासू माँ बहुत मेहनत से अपने हाथों से साड़ियाँ बनाया करते थे। वो सब साड़ियाँ बनाकर उनकी बहू रानी साड़ियाँ ले जाकर दुकान में बेच दिया करते थे। इस तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। शुरुआत के दिनों में उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे व्यापार कम होने लगा, क्योंकि लोग ज्यादा नए नए डिजाइन पसंद करने लगे, इसलिए व्यापार थोड़ा मंदा हो गया। एक दिन सास बहू दोनों ही गंभीर सोच में पड़ गए। कुछ दिनों बाद सासू माँ ने ज्यादा सोचने की वजह से बीमार होकर बिस्तर ही पकड़ ली। अनामिका, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी कभी ऐसी भी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे बहू? आप कृपया इस तरह ना सोचे, हम खुशी खुशी जी रहे हैं ना। आपका बेटा शहर से पैसे भेज रही है और हम उन पैसों से खुशी खुशी जी तो रहे हैं। आप कृपया इस तरीके से सोच सोच कर अपनी तबीयत और खराब मत करिए माँ जी। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर अचानक से अनामिका के पति ने मनी ऑर्डर भेजना बंद कर दिया। क्या हुआ अनामिका, क्यों तुम्हारा पति अब पैसे नहीं भेज रहा है? फोन लगाओ जरा, मैं बात करूं तो। माँ, वहाँ उन्हें शायद पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो मनी ऑर्डर नहीं भेज रहे हैं, और उन्होंने मुझे ये फोन करके बताया था। हम भी तो यहाँ इतनी दिक्कत में है, क्या अभी भी वो पैसे नहीं भेजेगा? पर रहने दो, छोड़ो, क्या पता वो किस तरह की परेशानी में हो। वहाँ घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, घर पर खाना पीना भी सही से नहीं चल रहा था। अनामिका बहुत चिंतित होकर मंदिर में जाती है। पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ बैठे बैठे अपने घर के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। ये देख कर वो पेड़ ही बोल पड़ा। तुम क्यों रो रही हो अनामिका? तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? पेड़ को बात करते हुए देखकर अनामिका बहुत डर गई और वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। अनामिका को भागते हुए देख पेड़ फिर से बोलता है। अरे तुम मुझसे डरकर क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, यहाँ तुम मेरे पास आओ। ये बात सुनकर अनामिका धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ कहता है, तुम अपनी सासू माँ को क्यों बेवकूफ बना रही हो? तो मैं क्या करूँ, मैं सासू माँ से सच नहीं बोल सकती। अच्छा, तो तुम यह बताने से अपनी सासू माँ को डर रही हो कि तुम्हारे पति अब मर चुके हैं, और यह बात अगर तुम्हारी सासू माँ को पता चल गया तो शायद वह भी मर जाएगी, इसलिए तुम उन्हें नहीं बताना चाह रही हो, और अपने पति के नाम से ही तुम अपने घर में पैसे कुरियर करवाती हो। पर अब तो तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है, तुम्हारे भी सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब तुम क्या करोगी? हाँ, आप जो भी बोल रहे हो सच है, पर क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपको ये सारी बातें कैसे पता चली? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मुझे सब पता है, और अब तो तुम्हारा व्यापार भी सही से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वैसे ही साड़ी बनाऊंगा जैसे ग्राहकों को पसंद है, अगर तुम उन्हें बेचो तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। फिर पलक झपकते ही उस पेड़ ने अनामिका को तरह तरह की सुंदर सुंदर साड़ियाँ बना कर दे दी, और ये सब देखकर अनामिका बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। हे भगवान, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं! मैंने आज तक इतनी सारी साड़ियाँ और इतनी खूबसूरत साड़ियाँ नहीं देखी। फिर भी एक एक करके सारे साड़ियों को इकट्ठा करती है और उठाकर ले जाती है। वो उन सभी साड़ियों को लेकर एक बड़ी दुकान पर जाती है, और ये सारी साड़ियाँ देखकर दुकानदार बोलता है, अनामिका, क्या तुमने इन साड़ियों को डिजाइन किया है? यह बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ हैं। ऐसी ही साड़ियों के बारे में मैं तुम्हें इतने दिनों से कह रहा था, पर यह काम बहुत ही अच्छा और सुंदर है। ऐसा काम आज तक मेरी दुकान में किसी और ने नहीं किया है जो तुमने किया है। देखिए महाशय, वैरायटी के हिसाब से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और आप मुझे इन साड़ियों को पुरानी कीमत में लेने के लिए मत कहिएगा। अनामिका की बात सुनकर दुकानदार ने उन साड़ियों का रेट उसके पीछे वाली साड़ियों से डबल दिया, और अनामिका ने उन पैसों को लेकर तुरंत अपने घर के एड्रेस पर मनी ऑर्डर करवा दिया।
पर इधर अनामिका दौड़ती हुई उसी जादुई पेड़ के पास जाती है। मैजिक ट्री एंड सॉरी, मैं पहले घबराहट के चक्कर में तुम्हें थैंक यू बोलना ही भूल गई, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद कहने आई हूँ। आज मैं आपकी सहायता की वजह से बहुत खुश हूँ। आज मैं आपकी सहायता की वजह से अपनी सास को भी खुश कर पाई और तीन वक्त का खाना हम लोग टाइम पर खा पाएंगे। धन्यवाद मैजिक ट्री जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अनामिका बार बार मैजिक ट्री का धन्यवाद कर रहे थी। ये सुनकर उस पेड़ ने कहा, अनामिका तुम इस तरह बार बार क्यों धन्यवाद कह रहे हो? तुम्हें इस चीजों की जरूरत थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अब अच्छा होगा। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। पेड़ की बात सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। मैं इस बारे में अपनी सास को बताना चाहती हूँ। अनामिका कृपया तुम इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। जो भी यह हुआ, अगर मेरी शक्तियों के बारे में तुम किसी को बता देती हो तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी शक्तियाँ तभी मेरे साथ होती है जब मैं किसी की सही टाइम पर मदद करता हूँ। अगर मैं किसी को बताकर तुम्हारी मदद करूँगा तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा। कृपया तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहना। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। तुमने मुझे वादा किया है कि जब भी मुझे जरूरत होगी तो तुम मुझे साड़ियाँ दोगे। इस दौरान मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पास बार बार, और इस तरह तो हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा, अगर मुझे कोई खुद देख लेगा तो मेरी शक्तियाँ नहीं जाएगी। लेकिन मेरे बारे में तुम किसी को बता दोगी और वह मुझे देख लेता है तुम्हारी मदद करते हुए, तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने मुझे देख लिया तुमसे इस तरह बातें करते तो ये खबर चारों ओर फैल जाएगी और फिर वो लोग आकर तुम्हारे से तरह तरह के सवाल भी करेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी और किसी की भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो कि तुम मुझे अपने घर में रहने दो, पर तुम मेरे बारे में अपनी सासू माँ को कुछ मत बताना। लेकिन जब वे खुद देख लेंगे तो तुम उन्हें देखने देना, ठीक है ना? इतना बोलते ही एक बड़ा सा पेड़ छोटे से पौधे के रूप में बदल जाता है, जिसे लेकर अनामिका अपने घर आ जाती है। अनामिका जैसे ही उस पेड़ को अपने घर में लेकर आती है, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैल गई। उसके सासू माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा सुधर गई और वो पहले से बहुत अच्छी भी हो गई थी। अरे बेटा अनामिका, मेरी तबीयत अब धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई है, अब तो मैं चलने फिरने भी लगी हूँ, देख। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है और अपनी सासू माँ को ठीक ठाक देखकर वो बहुत खुश होती है। दूसरे दिन जब उसके सासू माँ घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसे वो घर के कोने पर रखा हुआ एक पौधा दिख जाता है। उसकी सासू माँ बोलती है, ये कैसा पौधा है बहू, क्या यहाँ तुमने रखा है इसे? हाँ सासू माँ, ये बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत ही प्यारा है, ये मैंने ही रखा है और इसकी वजह से देखो आप कितनी जल्दी ठीक हो गई हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पौधा बहुत शुभ है, इसके आते ही मैं ठीक हो गई। जब से ये पौधा घर पर आया है तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सासू माँ और अनामिका बातें कर ही रहे थे तभी दरवाजे पर एक मनी ऑर्डर लेकर पोस्टमैन आता है। तुमने एकदम सही कहा अनामिका, ये पौधा बहुत ही शुभ है, देखो तो अब मेरा बेटा भी पहले की तरह हमें मनी ऑर्डर भेज रहा है। अनामिका की सास इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका की सास अनामिका के साथ आरती की थाली लेकर पेड़ की पूजा करने लगती है। ये देखकर पेड़ बोलता है, माँ जी कृपया आप इस आरती के थाल को मुझसे दूर रखिए, मैं इस आग में नहीं जलना चाहता। पेड़ को बोलते हुए देखकर सासू माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। अनामिका देखो तो ये पेड़ बात कर रहा है। सासू माँ थोड़ा आहिस्ता बोलिए, ये पेड़ जादुई है। अनामिका और सास की बातें सुनकर पेड़ बोलता है, तुम दोनों को मेरे बारे में तो पता चल गया है, पर इस बारे में किसी से ना कहना। पेड़ की ये बात सुनकर दोनों ही राजी हो जाते हैं। अनामिका मैं रोज रोज तुम्हें नई तरह की साड़ियाँ दूंगा। फिर वो पेड़ रोज अनामिका को नई नई तरह की साड़ियाँ लाकर दिया करता था। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे और सासू माँ तो ये सब देखकर बहुत ही चकित हो रही थी। फिर दोनों ही सास बहू इन साड़ियों को लेकर दुकान पर जाते थे
और ले जाकर वहाँ बेच दिया करते थे। इस तरह वो दोनों जादुई पेड़ की मदद से बहुत अमीर हो गए। एक रात वो पौधा एक सुंदर देवी में बदल जाता है। अनामिका, इधर आओ, अब मेरे से तुम्हें मदद मिल चुकी है। जब तुम गरीब परिस्थिति में थी तब मैंने तुम्हारी बहुत मदद की। अब मेरा समय हो गया है जाने का और मैंने तुम्हारी बहुत सी मदद कर दी है, और अब तुम्हारी परिस्थिति भी बहुत ज्यादा बदल गई है, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक पौधा उपहार के रूप में देकर जा रही हूँ। इतना बोलते ही वो देवी एक पौधा अनामिका को देती है, जो कि वो जादुई पौधा होता है, और फिर बोलती है, अनामिका, ये पौधा भी एक जादुई पौधा है, इसके रक्षा तुम करना और इसके बारे में किसी को मत बताना। इन पौधों से तुम जो भी इच्छा मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन ये तुमसे बात नहीं करेगा, तो इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे तुम्हारा व्यापार साड़ी का है तो तुम इससे साड़ी की ही मांग करना। धन्यवाद देवी, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ, और अगर हो सके तो इन पैसों से अपने जैसे गरीब लोगों की खूब मदद करना। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो देवी गायब हो जाती है। फिर अनामिका उस पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और उससे साड़ियाँ लेकर अपना व्यापार खूब आगे बढ़ाती है, और दोनों सास बहु खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे गांव में ब्यूटी और काजल नाम की दो सहेली रहती थी। नाम के अनुसार ब्यूटी बहुत ही सुंदर और काजल थोड़ी सावली थी। दोनों सहेली अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्यूटी का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन ब्यूटी हर काम में आगे थी। घर के काम से लेकर पढ़ाई तक वो हर चीज में अव्वल थी। वहीं उसकी सहेली काजल, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी, वो ब्यूटी जितनी सुंदर तो नहीं थी, परंतु वो अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड करती थी। काजल के घर में सारी सुविधा होने के बाद भी वो पढ़ाई में हमेशा पीछे ही रहती थी। तभी एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, देखो तो मेरी घड़ी खराब हो गई। आप मुझे फटाफट पैसे दो, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। अरे काजल, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने नई घड़ी खरीदी थी, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई? बेटा, तुम इतना फालतू के खर्च क्यों करवाती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं हो, पढ़ाई में मन लगाओ। देखो जरा ब्यूटी को, कितनी गरीब है बेचारी। घर के काम में माँ का हाथ भी बढ़ाती है और साथ में पढ़ाई भी करती है। उसके पास तो कोई सुविधा भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई में कितनी तेज है। कुछ सीखो अपनी सहेली ब्यूटी से। ओफो माँ, अब बस भी करो, ये ब्यूटी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो तो ब्यूटी ये करती है, ब्यूटी वो करती है। उफ, तंग आ गई हूँ मैं सुन सुन के। आप मत दो पैसे, मैं जा रही हूँ मार्केट। इतना बोलकर काजल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। घर से निकलकर थोड़ी आगे चलने पर काजल को उसकी सहेली आरती मिल जाती है। काजल अपनी सहेली आरती को देखकर खुश हो जाती है। अरे आरती, तू यहाँ, तू कहीं जा रही है क्या? हाँ, पर तू कहाँ जा रही है? अरे मैं तो ऐसे ही मार्केट जा रही थी, चलना तू भी। अरे नहीं काजल, तू ही जा मार्केट, मैं तो ब्यूटी से मिलने आई हूँ, और मुझे थोड़ा कुछ साइंस में डाउट भी है, तो मैं उसे पूछ भी लूँगी। अरे तो उसके घर क्यों जा रही है? वो इतनी गरीब है, उसके घर में तो बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं है। तो मेरे घर चलना, हम आराम से बैठकर टीवी देखेंगे और फिर थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे। पढ़ाई, और वो भी तेरे साथ। तुझे अपने मेकअप और शॉपिंग से फुर्सत मिले तब ना तू पढ़ाई करेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। इतना बोलकर आरती वहाँ से ब्यूटी के घर चली जाती है। ये सब सुनकर काजल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये ब्यूटी की बच्ची ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, जिसे देखो ब्यूटी के गुणगान गाते फिरता है। लगता है मुझे इसका मजा चखाना ही होगा। इधर आरती ब्यूटी के घर पहुंचकर ब्यूटी से कहती है, अरे ब्यूटी, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, मुझे तुझसे पढ़ाई में कुछ पूछना था, क्या तू मुझे समझा देगी? हाँ हाँ क्यों नहीं आरती, कितना अच्छा होता ना अगर काजल भी हमारे साथ होती। ब्यूटी तुम कितनी अच्छी हो, और तुम काजल की इतनी फिक्र क्यों करती हो? वो तो हर टाइम तुम्हारा बुरा ही सोचती है, इसके बावजूद भी तुम उसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। अरे कोई बात नहीं आरती,
तुम्हारी तरह वो भी तो मेरी अच्छी सहेली है। हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ ब्यूटी, तुम सही बोल रही हो। अच्छा ब्यूटी, ये सब छोड़। अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी ना? और तुझे पता है जीतने वाले को पूरे 1,00,000 रुपए मिलेगा। अच्छा, फिर तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी और मैं सारे पैसे जीतकर अपने माँ बाबा को दूंगी, जिससे उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। पर ब्यूटी, डांस में अच्छा लहंगा पहनना ही जरूरी है। ब्यूटी, तू अपने लिए इतना अच्छा लहंगा कहाँ से लाएगी? तभी ब्यूटी के घर काजल पहुँचती है और कहती है, इस गरीब के पास तो खाने तक के पैसे होते नहीं हैं, तो लहंगा कहाँ से लाएगी? ये डांस कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। काजल की बात सुनकर ब्यूटी बहुत ही प्यार से कहती है, कोई बात नहीं काजल, कॉम्पिटिशन तुम जीतो या मैं जीतूं, बात तो एक ही है ना। अगर कॉम्पिटिशन तुम जीतोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बंद करो अपनी बकवास, बहुत अच्छा बनने का शौक है ना तुझे? जिसे देखो सब तेरी ही तारीफ करता रहता है, पर अब देखना सब मेरी ही तारीफ करेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ। इतना बोलकर काजल अपने घर चली जाती है और डांस के कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो मॉल जाकर अपने लिए सबसे महंगा वाला लहंगा खरीदती है। अब मजा चखाऊंगी मैं उस ब्यूटी की बच्ची को, वो मेरा ये लहंगा देखकर तो पागल ही हो जाएगी। वो इतना महंगा लहंगा अपने सपने में भी खरीदने के बारे में सोच नहीं सकती। इतना सोचकर काजल ब्यूटी के घर जाती है और कहती है, अरे ब्यूटी चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना लहंगा दिखाती हूँ। काजल की बात सुनकर ब्यूटी खुश हो जाती है और वो उसके घर चली जाती है। घर पहुंचकर काजल ब्यूटी को अपना महंगा वाला लहंगा दिखाती है और कहती है, ये देखो मेरा लहंगा, पूरे 50,000 रुपए का है। ये लहंगा पहनकर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी और डांस भी मैं ही जीतूंगी। सचमुच काजल, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा काजल, अब मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर ब्यूटी अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ सच में काजल का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। काजल उस लहंगे को पहनकर डांस करेगी तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। उस लहंगे की मदद से तो काजल डांस कॉम्पिटिशन बहुत ही आराम से जीत जाएगी। पर माँ, मैं वो डांस कॉम्पिटिशन जीत कर उसमें मिले हुए पैसों से आपकी मदद करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ब्यूटी कुछ सोच कर कहती है, अरे माँ क्यों ना मैं अपना लहंगा अपने हाथों से ही सिलूं, और वैसे भी मुझे सिलाई तो आती ही है। ठीक है ब्यूटी बेटा, मैं बक्से में से तुम्हारे लिए सिलाई मशीन निकाल देती हूँ, काफी टाइम से रखा पड़ा था। फिर ब्यूटी बहुत ही मेहनत से अपने लिए लहंगा सिलने लगती है। कड़ी मेहनत के बाद ब्यूटी अपने लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है। लहंगा सचमुच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। लहंगे को देखकर ब्यूटी की माँ उससे कहती है, अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही सुंदर लहंगा सिला है, अब डांस कॉम्पिटिशन तो मेरी ही बिटिया जीतेगी। उधर खिड़की से काजल दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन रहे थी और ब्यूटी का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत ही ज्यादा जल गई थी। अरे इस ब्यूटी की बच्ची ने तो मेरे लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लहंगा सिल लिया है, अब मुझे कुछ ना कुछ बड़ा सोचना ही पड़ेगा। फिर काजल रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही चुपके से ब्यूटी के घर में घुस जाती है और चुपके से उसका लहंगा चुराकर उसे जंगल के पास वाले कुएं में फेंक देती है। सुबह उठकर जब ब्यूटी अपने लहंगे को ढूंढती है तो उसे अपना लहंगा नहीं मिलता। ब्यूटी पूरा घर छान मार लेती है परंतु उसे लहंगा कहीं नहीं मिलता। ब्यूटी बहुत रोने लगती है, तभी उसके पास काजल आती है और कहती है, अरे ब्यूटी क्या हुआ, तो इतना रो क्यों रही है? अरे क्या बताऊं काजल, मैंने इतनी मेहनत करके अपने लिए लहंगा सिला था और वो लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने पूरा घर छान मारा परंतु वो लहंगा मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ब्यूटी की बात सुनकर काजल बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है,
अरे ब्यूटी, तुम्हारा लहंगा तो मैंने जंगल के पास वाले कुएं में फेंक दिया। अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो डांस कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, बेचारी ब्यूटी। इतना बोलकर काजल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। काजल की बात सुनकर ब्यूटी बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोते हुए जंगल के पास वाले कुएं के पास जाती है और कुएं के पास खड़ी होकर कुएं में झांकते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा तो काजल ने इस कुएं में फेंक दिया, अब मैं डांस कैसे करूंगी? इतना बोलकर ब्यूटी बहुत रोने लगती है। तभी उस कुएं में से आवाज आती है, क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? आवाज सुनकर ब्यूटी डर जाती है और वो कहती है, कौन है, कौन है यहाँ? डरो नहीं, मैं इस कुएं की देवी हूँ। तुम रो क्यों रही हो, मुझे ये बताओ, मुझे किसी को रोता हुआ देखा नहीं जाता। क्या बताऊँ मैं कुएं की देवी, मेरी सहेली ने मेरा बनाया हुआ लहंगा जो मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करके बनाई थी उसे इस कुएं में फेंक दिया। अब तो वो लहंगा खराब हो गया होगा। अब मैं अपने स्कूल के डांस फंक्शन में क्या पहनूंगी? मैंने सोचा था डांस कंपटीशन जीतकर उसमें मिले हुए पैसों से मैं अपने माँ बाबा की थोड़ी मदद कर सकूंगी। अच्छा ये बात है बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा लहंगा निकाल देती हूँ। फिर वो कुएं की देवी ब्यूटी की परीक्षा लेते हुए सोने का लहंगा प्रकट करती है और ब्यूटी से पूछती है, बेटी क्या ये तुम्हारा लहंगा है? नहीं कुएं की देवी, ये मेरा लहंगा नहीं है, ये तो मुझे सोने जैसा लग रहा है, मेरा लहंगा तो एक मामूली लहंगा था। इस तरह कुएं की देवी ब्यूटी की परीक्षा लेते हुए उसे महंगे महंगे लहंगे दिखाती है, परंतु ब्यूटी सभी लहंगों को इनकार कर देती है, इन सब में मेरा कोई लहंगा नहीं है। फिर अंत में कुएं की देवी ब्यूटी का मामूली सा साधारण लहंगा उसे देती है, क्या ये तुम्हारा लहंगा है? अपने लहंगे को देखकर ब्यूटी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ ये मेरा लहंगा है, यही तो है मेरा लहंगा। कुएं की देवी ब्यूटी को उसका लहंगा दे देती है। ब्यूटी की ईमानदारी देखकर कुएं की देवी बहुत प्रसन्न होती है और वो कहती है, ब्यूटी तुम सच में बहुत ही अच्छी और ईमानदार हो, मैंने तुम्हें इतने महंगे महंगे लहंगे दिखाए परंतु तुम्हें कोई लालच नहीं आया और तुमने अपना वाला लहंगे को ही अपना बताया। अब जाओ ब्यूटी, डांस कंपटीशन तुम ही जीतोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। फिर ब्यूटी खुशी खुशी वो लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और उस लहंगे को पहनकर देखती है। उस लहंगे में ब्यूटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ से काजल गुजर रही होती है। तभी वो खिड़की से ब्यूटी को लहंगा पहने हुए देख लेती है। वो ब्यूटी के पास आती है और कहती है, अरे ब्यूटी ये लहंगा तो फिर से वापस कैसे ले आई, इसे तो मैंने कुएं में फेंक दिया था ना। फिर भोली भाली ब्यूटी काजल को सारी बातें बता देती है। ब्यूटी की बातें सुनकर काजल को लालच आ जाता है और वो भी कुएं के पास चली जाती है और अपना महंगा वाला लहंगा उस कुएं में जानबूझकर फेंक देती है और रोने का ढोंग करने लगती है। ओ कुएं की देवी, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? कुएं की देवी कहती है, हाँ बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो और क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊँ कुएं की देवी, मेरा लहंगा आपके इस कुएं में गिर गया है, क्या आप मुझे मेरा लहंगा दे देंगी? हाँ क्यों नहीं। ऐसा बोलकर कुएं की देवी सोने का लहंगा प्रकट करती है जिसे देखकर काजल को लालच आ जाता है और वो कहती है, हाँ कुएं की देवी यही तो है मेरा लहंगा, अब मुझे मेरा लहंगा दे दीजिए। कुएं की देवी को तो पता था कि काजल झूठ बोल रही है। कुएं की देवी को काजल पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम बहुत ही लालची लड़की हो और तुमने बेचारी ब्यूटी को बहुत परेशान किया,
इसलिए मैं तुम्हें कोई भी लहंगा नहीं दूंगी और अब से तुम जो भी लहंगा पहनोगी उसे मैं अपने जादू से खराब कर दूंगी। ये सुनकर काजल डर जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं जादुई कुएं की देवी, मैंने सच में ब्यूटी को बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे अपने स्कूल के डांस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, भले ही मैं फर्स्ट ना आऊं, परंतु मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि मैं ब्यूटी से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें तुम्हारा लहंगा वापस कर रही हूँ, परंतु याद रखना अगर तुमने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे सुविधा की हर चीज को नष्ट कर दूंगी और तुम्हें बहुत बदसूरत बना दूंगी। फिर काजल अपना लहंगा लेकर ब्यूटी के पास पहुंचती है और ब्यूटी से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। ब्यूटी भी काजल को माफ़ कर देती है। फिर अगले दिन स्कूल में डांस करके ब्यूटी फर्स्ट प्राइज जीतती है और काजल सेकंड आती है। ब्यूटी की जीत की खुशी में काजल भी उसे मुबारकबाद देती है और फिर दोनों सहेली बहुत ही पक्की दोस्त बन जाती है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। पृथ्वी से दूर परी लोक में रंगोली परी रहती थी। रंगोली परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। रंगोली की खूबसूरती और उसके लंबे बालों की तारीफ परी लोक की परियां करते नहीं थकती थी। वहीं कुसुम परी को रंगोली परी एक आंख नहीं भाती थी। वो हमेशा रंगोली को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती। रंगोली परी अपनी बहन कुसुम परी से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से वो हर बार उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती थी। एक बार की बात है, रंगोली और कुसुम परी बाहर गार्डन में घूम रहे थे, तभी वहाँ उसकी सहेली चेतना परी आती है। अरे वाह रंगोली, आज तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे ये खुले बाल, वाह क्या ही कहना इनका। थैंक यू चेतना, वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ भी शुरू हो गए सब, पता नहीं इस रंगोली की बच्ची ने क्या घोल कर पिला दिया है सबको, जिसे देखो इसी की तारीफ करती रहती है। रंगोली तुम्हें पता है हमारे परीलोक में प्रीतमपुर के राजा अग्रसेन के बेटे चंद्रकांत आने वाले हैं। चंद्रकांत कौन है ये? अरे पागल तुझे नहीं पता, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली, अच्छाई का प्रतीक, गरीबों का रक्षक और हम परियों के दिल का शहजादा। वो कल ही हमारे परीलोक में आ रहा है और रानी माँ ने कहा है जो कोई भी परी चंद्रकांता को पसंद आएगी रानी माँ उसकी शादी उसी से करवा देगी। ये तो अच्छी बात है। अरे पागल सबसे अच्छी बात तो तुम्हारे लिए है, तुम वैसे भी हमारी परीलोक की सबसे खूबसूरत परी हो और तुम दिल की भी बहुत अच्छी हो। चंद्रकांत के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। इस पर रंगोली थोड़ी शर्मा जाती है। तुम भी ना चेतना, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। अच्छा जी, शक्ल तो दिखाओ जरा अपने। ओए होए, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। चल भाग बदमाश। दोनों परी यहाँ ये सब बातें कर खुश हो रही होती है, वहीं कुसुम परी ये सब सुनकर जल भुन जाती है और अपने मन में सोचती है, हर बार रंगोली ने मुझे खुद से दो कदम पीछे रखा है, इस बार मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। चंद्रकांत तो मुझे ही पसंद करेगा शादी के लिए और मैं ही उसकी दुल्हन बनूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सभी परियों को रानी माँ महल में आमंत्रित करती है। इधर रंगोली परी भी महल में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। रंगोली परी पहनने के लिए सबसे अच्छे कपड़े निकालती है और फिर नहाने चली जाती है, तभी कुसुम परी वहां आकर उसके कपड़ों को जला देती है। अब आएगा मजा, देखती हूँ अब तू कैसे वहां जाती है। जब रंगोली परी नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए गाउन को देखकर बोलती है, हे भगवान ये कपड़े कैसे जल गए, देर भी हो रही है, क्या करूं? चलो
पुराने कपड़े पहन लेती हूँ। रंगोली अपने पहले के पुराने कपड़े पहन महल में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है महल बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वहीं चमचमाती कुर्सियों पे चंद्रकांत बैठा हुआ था। चंद्रकांत का चेहरा बहुत ही मनमोहक था। रंगोली तो एक टक चंद्रकांत को देखे जा रही थी और चंद्रकांत रंगोली को। रंगोली, आओ बेटा, तुमने आने में इतनी देर कैसे लगा दी? रंगोली जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही कुसुम परी अपना पैर आगे कर देती है, जिससे टकराकर रंगोली चंद्रकांत की बाहों में गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। रानी माँ, मुझे जिस लड़की की तलाश थी मुझे वह मिल गई। वही आँखों में सादगी, सादापन और लंबे घने बाल, मुझे मेरे सपनों की शहजादी मिल गई। रानी माँ, मैं रंगोली को ही अपना जीवन साथी चुनना चाहता हूँ। ये सुन सभी परियां खुशी से ताली बजाते हुए उनका स्वागत करती हैं। वही कुसुम परी मुंह बनाते हुए महल से निकल जाती है। चंद्रकांत शादी के लिए रंगोली परी को पसंद कर लेता है और अगले हफ्ते उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। घर आने के बाद मेरे इतना करने के बाद भी उस रंगोली की बच्ची आखिर महल में पहुंच ही गई। मैं ये शादी किसी भी हाल में नहीं होने दे सकती। मैं इस बार रंगोली से हार नहीं मानूंगी। रंगोली की बच्ची चंद्रकांता मेरा है और उससे मेरी ही शादी होगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। शादी से ठीक एक दिन पहले कुसुम चुपके से रंगोली परी के कमरे में आती है और उसके बाथरूम में जाकर शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख देती है। अब आएगा मजा। रंगोली परी जब नहाने बाथरूम में जाती है तो जल्दबाजी में कुसुम द्वारा रखे उस हेयर रिमूवल क्रीम को अपने बालों में लगा लेती है और जैसे ही पानी से उसे धोती है उसके सर के सारे बाल गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल, मेरे सर के बाल गायब कैसे हो गया ये? कल तो मेरी शादी है और मेरे बाल, मैं बिना बालों के कितनी बदसूरत लग रही हूँ। मैं ऐसे में चंद्रकांत से शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तभी चंद्रकांत चुपके चुपके रंगोली परी से मिलने आ जाता है। रंगोली, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। मुझसे तो कल तक इंतजार ही नहीं हो रहा है, इसलिए तुमसे मिलने अभी चला आया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना रंगोली? रंगोली कमरे के अंदर से ही बोलती है, अंदर मत आना, चले जाइए यहाँ से, मुझे अब आपसे शादी नहीं करनी, मुझे भूल जाइए। अरे रंगोली, यह क्या बोल रही हो? यह क्या हो गया है तुम्हें? और तुम रो क्यों रही हो? तभी चंद्रकांत रंगोली के कमरे के अंदर आ जाता है। रंगोली चंद्रकांत को देख जोर जोर से रोने लगती है। मैं अब आपके काबिल नहीं रही, मेरे बालों के साथ मेरी सुंदरता भी चली गई। अब आप मुझसे शादी ना करें। आप इस परीलोक की कोई भी सुंदर परी देखकर उनसे शादी कर ले और मुझे माफ कर दे। रंगोली, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है और मैंने तुम्हें रंग रूप देखकर पसंद नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बालों के चले जाने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब रोना बंद करो और देखो कौन आया है मेरे साथ। रानी माँ, आप? हाँ रंगोली, और ये सब आखिर हुआ कैसे? पता नहीं रानी माँ, मैंने तो बस ये शैम्पू लगाई थी। ये तो हेयर रिमूवल क्रीम है, ये तुम्हें किसने दिया? मुझे नहीं पता रानी माँ, ये यही रखा हुआ था। फिर रानी परी अपनी जादुई शक्ति से पता लगा लेती है कि कुसुम परी ने ये सब किया है। कुसुम ने? पर वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? अब मेरे बाल कैसे आएंगे? घबराओ नहीं, बादलों में पूर्व दिशा की ओर एक जादुई बालों का पेड़ है। तुम उस जादुई बालों के पेड़ में से कोई भी अच्छा सा बाल तोड़कर अपने सर में लगा लेना, इससे तुम्हारे बाल पहले की तरह ही हो जाएंगे। फिर रंगोली परी उस जादुई बालों के पेड़ के पास जाती है और रानी परी के कहे अनुसार
उस पेड़ से एक सुंदर सा बाल तोड़कर अपने सर पर लगा लेती है, जिससे उसके बाल पहले की तरह ही हो जाते हैं। और फिर बड़े ही धूमधाम से रंगोली और चंद्रकांत की शादी हो जाती है और कुसुम परे को उसके के सजा मिलती है। उसे एक साल के लिए परियों के कारागार में बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।